हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी को जिसका नाम है फेक वाइफ। इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि कहानी के हीरो को मजबूरन उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से शादी करनी पड़ती है, पर उसके साथ रहते रहते उसको उससे प्यार हो जाता है। पर जब आप लोग इस मूवी का एंड देखोगे ना, तो आप जरूर चौंक जाएंगे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत में हम पुराने जमाने का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि ऑफ कोर्स हमारी इस मूवी की हीरोइन है। वो बस ऐसे ही वहाँ पर खड़ी होती है कि तभी वो देखती है कि उसके पास तो काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमी आ रहे हैं, एंड वो सारे लोग उस लड़की पर हमला कर देते हैं। पर वो जो लड़की होती है उसकी मार्शल आर्ट स्किल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, तो वो उन सारों की धुलाई करने लगती है। लड़ाई करते हुए एक बंदा उस लड़की को गिरा देता है कि तभी ही हमारी हीरोइन की नींद खुल जाती है। उसका नाम है शीनिंग, आन शीनिंग। वो कैब में बैठी होती है, पर उसको कहीं जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है, तो वो वहां से उतरकर पैदल ही भागने लगती है। दूसरी तरफ हम मो मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर मो फैमिली में आन ग्रुप की लड़की आन शी हुई की शादी हो रही थी, मेरा मतलब है कि होने वाली है। जहाँ पर मिस्टर मो रिपोर्टर्स को बता रहे होते हैं कि शी हुई तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। बचपन से ही शी हुई और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और शी हुई की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी टैलेंटेड है, उसे डांस पेंटिंग वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम शीनिंग को देखते हैं, जो कि अपनी ही शादी में कुछ ऐसी हालत में आई होती है, फिर वो तैयार होने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम मूवी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम है चिंग चियान। वो अपने बचपन के प्यार को एक गिफ्ट देना चाहता था, और वो गिफ्ट लेकर सीधा उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। शीनिंग भी तैयार होकर जब बाहर आती है, वो बस नीचे कुछ लेने के लिए जा रही होती है कि उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है, तो वो अपनी शूलेस को लेकर फिर से ड्रेस को स्टिच कर देती है एक देसी जुगाड़ करके। तभी ही वहाँ पर चिंग चियान आ जाता है, तो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों यानी कि चिंग चियान और शीनिंग वहाँ पर होते हैं। चिंग चियान देखता है कि शी हुई ने तो स्नीकर्स पहने हैं, तो वो उसे कहता है कि आज तुमने स्नीकर्स क्यों पहने हैं, तुम तो वैसे कभी नहीं पहनती थी। तो शीनिंग बहाने मारने लगती है। चिंग चियान उसको फिर अपना लाया गिफ्ट देता है, जिसे देखकर शीनिंग ज़्यादा खुश नहीं होती। वो उसे समझ लेती है कि यह तो बस मैरिज का साधारण सा एक गिफ्ट है। अब चिंग चियान को शक होने लगता है, क्योंकि ये गिफ्ट तो शी हुई को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और शीनिंग का ऐसा रवैया देखकर उसे थोड़ा शक होने लगता है। तो वो सीधा पूछ लेता है कि तुम हो कौन। तो शीनिंग बोलती है कि मैं शी हुई हूँ, अभी मेरी सर्जरी हुई है ना, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पर हाँ उस वक्त मेरी बहन, मेरी छोटी बहन शीनिंग ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। तुम्हें पता है कि उसका सपना है कि एक बड़ी एक्ट्रेस बनना। ये सुनकर तो चिंग चियान को पूरा पूरा शक होने लगता है, और कहता है कि कौन हो तुम, तुम बस शी हुई की तरह दिखती हो, पर तुम वो नहीं हो। शीनिंग चुप रहती है, तो चिंग चियान कहता है कि कौन हो तुम, जल्दी बताओ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, और अभी के अभी मैं इस मैरिज को तोड़ रहा हूँ। ये सुनकर शीनिंग कहती है कि मेरी वो बड़ी बहन थी शी हुई, और उसकी सर्जरी के बाद उसकी मौत हो गई। वैसे उसकी सर्जरी तो काफ़ी अच्छी गई थी, पर देखो दुर्भाग्य की वजह से उसकी आधे महीने के बाद ही मौत हो गई थी। तो ये सुनकर चिंग चियान शॉक में चला जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि शी हुई और शीनिंग दोनों जुड़वा बहनें हैं। दूसरी तरफ आन फैमिली और मो फैमिली के बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं कि तभी ही वहाँ पर चिंग चियान आ जाता है और कहता है कि देखो इसे, ये शिन हुई नहीं है, ये शीनिंग है, उसकी छोटी बहन, और ये लोग मुझसे इसकी शादी करवाना चाहते हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि ये तुम क्या बक रहे हो, पर मिस्टर आन कहते हैं कि ये सच है, मेरी बेटी शी हुई आधे महीने पहले ही मर गई है। शीनिंग बिल्कुल वैसी ही दिखती है, और हमारी फैमिली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हमने सोचा कि शी हुई की जगह पर शीनिंग चिंग चियान से शादी कर लेगी। ये सुनकर मिस्टर मो कहते हैं कि ओके,
हमारी फैमिली का समाज में बहुत ही ज़्यादा ऊंचा नाम है, तो चिंगचियान तुम्हें इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। चिंगचियान पहले से ही सदमे में था और यह सुनकर तो उसे झटका लगता है, पर वो मना कर देता है कि मैं इस थुकेबाज लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर मिस्टर मो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो। मिसेस मो उसे कहती है कि देखो बेटा, शादी कर लो, क्योंकि आन फैमिली की ही तो बहू आने वाली है, वो शी हुई हो या फिर शिनिंग, दोनों एक ही बहनें तो है। मेरा मतलब है कि दोनों एक ही जैसी तो दिखती है, तो किसी को भी इस बार शक नहीं होगा। फिर जोर से मिस्टर मो ऑर्डर दे देते हैं कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद कहानी को ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए एंट्री होती है हेयुन और शिंग की। ये दोनों यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए आए होते हैं। उसके बाद झूठ मूठ की शादी इन दोनों की हो जाती है। शादी हो जाने के बाद सारे लोग ड्रिंक करते हैं। उसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कुछ इस हालत में पड़े होते हैं। चिंगचियान उठता है और अपने पास शिनिंग को देखता है, तो वो तो उसे लात मारकर बैट से गिरा देता है। शिनिंग ड्रंक की हालत में कहती है कि मुझे वापस अमेरिका जाना है, मुझे वहाँ जाकर एक्टिंग सीखनी है। तो ये सुनकर चिंगचियान कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन हो, कितने अच्छे से तुमने तो नाटक कर लिया। शिनिंग उसे कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, पर अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम करना है, उसके बाद मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। अगली सुबह शिनिंग खाना खाने वाली होती है, उसके प्लेट में बहुत ही सारा खाना होता है। तभी चिंगचियान आ जाता है और उसे थोड़ा सा ही खाना देकर कहता है कि अब से तुम शी हुई हो तो उसकी तरह ही एक्ट करना शुरू कर दो। उसके बाद वो शिनिंग को इकेबाना बनाने को कहता है, जो कि शिनिंग तो उसे बहुत ही बेकार सा गंदा सा बनाती है। चिंगचियान कहता है कि इसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद वो शी हुई की ही तरह शिनिंग को कहता है कि ये ऊंची हिल्स पहनो और सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दो। शिनिंग ऊपर नीचे ऐसा बहुत ही बार ट्राई करती है, पर गिर जाती है और उसे इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। उसके पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे होते हैं। अकेले कमरे में शिनिंग अपनी मैट से कह रही होती है कि मैं जल्दी यहाँ से अमेरिका एक्टिंग सीखने के लिए चली जाऊँगी, पर अभी के लिए मुझे ये सब सह लेना होगा मेरी फैमिली के लिए। पर फिर वो रात के टाइम पर सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और गाना भी गा रही होती है। चिंगचियान बाहर आता है तो वो अंधेरे में शिनिंग को देखकर डर जाता है। शिनिंग उसे कहती है कि तुमने ही तो सजा दी थी कि 100 बार ऐसे ऊपर नीचे करो। चिंगचियान उसे कहता है कि तुम प्रैक्टिस दिन में भी तो कर सकती थी ना, बेवकूफ़ कहीं की। तो शिनिंग कहती है कि मुझे तो तुम खोचूराम लगते हो, और वो दोनों छकड़ने लगते हैं। तो उन दोनों के मैड उसे कमरे में भेज देते हैं। बैलेट डांस करने में शी हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो अगले दिन चिंगचियान शिनिंग को लेकर हॉल में आता है और कहता है कि तुम बैलेट डांस को सीख लो। यहाँ पर भी शिनिंग को कुछ नहीं आता, वो जितनी बार प्रैक्टिस करती है वो उतनी बार गिरती है। चिंगचियान में तो दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसे गिरा देख कर भी वो कहता है कि प्रैक्टिस करना चालू रखो, पर ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो चिंगचियान कहता है कि बस करो अब, तुम बस शी हुई की तरह दिखती हो, पर उनकी ही तरह तुम में एक बात भी नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उसकी ही बहन हो ना, वो कितनी टैलेंटेड और स्मार्ट थी। उसकी बात को रोक कर शिनिंग कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं उसके जैसी नहीं हूँ, पर मैं ये सब मेरी फैमिली के लिए कर रही हूँ ना। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनिंग बेड पर पड़ी होती है और तभी ही उसकी पर्सनल मेड वहाँ पर आकर उसे कहती है कि देखो, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, तुम्हें ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। रात के टाइम पर बैग लेकर वो दोनों ही चोरी चुपके जा रही होती है ऑडिशन देने के लिए, पर वहाँ रास्ते में चिंगचियान आ जाता है। चिंगचियान को पता चलता है कि ये रात में ऑडिशन देने के लिए जा रही है, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांटता है। उसकी मेड कहती है कि देखो, शिनिंग को ऑडिशन के लिए इनवाइट किया गया है और वो जाना चाहती है क्योंकि उसका एकमात्र सपना है एक्ट्रेस बनने का। चिंगचियान उस इनविटेशन कार्ड को देखकर फेंक देता है और शिनिंग से कहता है कि तुम ना शी हुई की एक्टिंग करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तो वही करो ना, तुम्हें दूसरे काम करने की क्या जरूरत है, और उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है। तो शिनिंग गुस्से में आकर उस इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है और वापस अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंगचियान बाथरूम में होता है कि तभी ही पूरे घर की लाइट चली जाती है। वो अपने पर्सनल मेड
चेंगपेंग को बुला रहा होता है और कहता है कि कहाँ हो तुम। चेंगपेंग तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है, पर शिनिंग उसकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है। चिंग चियान अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे फोबिया है। जब शिनिंग वहां पर आती है तो चिंग चियान उसका हाथ पकड़ लेता है। शिनिंग कहती है कि डरो मत, अपने मोबाइल की फ्लैश को ऑन कर दो। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं जहाँ पर शिनिंग सर्किट को ठीक कर रही होती है एंड कहती है कि ये सारा काम ना मैं जब अमेरिका भाग गई थी तो अकेले रहने पर मैंने ये सब कुछ सीख लिया है। ये सुनकर चिंग चियान उसकी ओर देखने लगता है। शिनिंग उसे ऐसे देखकर डरा देती है तो वो डर के मारे सीधा हॉल में चला जाता है। उसके पास शिनिंग भी आ जाती है और चिंग चियान को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा होता है, तो वो उसे एक जोक सुनाने लगती है। पर उस जोक से चिंग चियान को तो हंसी ही नहीं आती, पर फिर वो कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं, और वो उसको स्टोरी सुनाने लगती है। पर उसकी स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है तो चिंग चियान सो जाता है। अगली सुबह चिंग चियान शिनिंग को देखकर अपने नौकर चेंगपेंग से कह रहा होता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं अपनी कंपनी में इसको ड्रामे का एक छोटा मोटा रोल दिलवा देता हूँ, उसके बाद सारे लोग इसकी असलियत को जान जाएंगे और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं इससे डिवोर्स ले लूंगा। क्यों, अच्छा प्लान है ना। उसके बाद ये बातें वो शिनिंग को कहता है कि मैं तुम्हें एक रोल दिलवा देता हूँ मेरी ही कंपनी में ताकि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना ना पड़े। ये सुनकर तो शिनिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर चेंगपेंग उसे छोड़ने के लिए कार में जा रहा होता है। कार में बैठे बैठे चेंगपेंग शिनिंग को एक जोक सुनाता है जो कि उसने कल रात चिंग चियान से कहा था, वही वाला ये जोक होता है। क्यों, ये जोक मजेदार है ना। तो शिनिंग को तो समझ में आ जाता है कि चिंग चियान को रात में मेरा जोक अच्छा लगा था। उसके बाद वो दोनों शूटिंग करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हेयुन तो पहले से ही मौजूद था और वो उस कहानी का हीरो होता है। शिनिंग सारे लोगों से मिलती है। जब वो हेयुन को देखती है तो कहती है कि हैंडसम आइकन, तुम भी यहाँ पर हो। डायरेक्टर शिनिंग को मेन हीरोइन का रोल दे देते हैं और वो हेयुन के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। इसी प्रैक्टिस के दौरान उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ शिंग को पता चलता है कि उसे मेन हीरोइन से हटाया गया है और मिसेस मो को रखा गया है। ये सुनकर तो शिंग का पारा हाई हो जाता है। घर में शिनिंग प्रैक्टिस करती है और इसकी वजह से चिंग चियान तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरे दिन भी वो फिल्म साइट पर आकर भी प्रैक्टिस ही कर रही होती है। वहां पर हेयुन शिंग से कहता है कि प्लीज तुम ना कुछ मत करना शिनिंग के साथ, उसके साथ हमेशा अच्छे से ही रहना। तो शिनिंग तो नहीं मानती और उस पर गुस्सा करने लगती है। हेयुन उसे कहता है कि तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारे लुक की वजह से ही यहाँ रखा गया है, वरना तो तुम्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता। ये सुनकर तो शिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हेयुन भी अब शिनिंग के ही साथ हो गया है। रात के टाइम पर चिंग चियान शूटिंग को देखने के लिए आया होता है जहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि शिंग को शिनिंग को एक चाटा मारना होता है और शिंग तो उसे एक जोरदार से एक चाटा लगा देती है, मानो कि वो सीन बहुत ही ज्यादा रियल हो। फिर हेयुन शिनिंग के पास आता है और स्क्रिप्ट याद करने लगता है। चिंग चियान भी देखकर यही कहता है कि ये सब इतना रियल क्यों लग रहा है। और दूसरा सीन कुछ ऐसा होता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और चिंग चियान को घर में पता चलता है कि शिनिंग आज घर नहीं आने वाली क्योंकि वो अपने मूवी स्टाफ के साथ ही रहने वाली है। वो घर में अकेला होता है और बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है। उसका किसी भी काम में अब मन नहीं लगता क्योंकि उसको तो अब शिनिंग की आदत हो गई होती है। फिर वो शिनिंग के कमरे में जाता है, उसकी सारी रखी हुई चीजों को देखकर वो हंसने लगता है, मतलब कि स्माइल करता है। दूसरी तरफ शिंग को पता चलता है कि वो जो एंटरटेनिंग कंपनी में काम कर रही है वहां से उसको निकाल देने वाले हैं। अब उस कंपनी का सीईओ और कोई नहीं पर चिंग चियान ही होता है। शिंग वहां पर एज अ सोलो एक्टर काम कर रही होती है। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि जो चिंग चियान होता है वो वही होटल पर पहुंच जाता है जहां पर शिनिंग की टीम रुकी होती है। शिनिंग भी उसे देख लेती है और पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं पर चिंग चियान ही है। तो चिंग चियान बहाना मारने लगता है कि मैं तो यहाँ पर काम की वजह से आया हूँ, पर शिनिंग कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर देखने आए हो ना। पर चिंग चियान तो मानता ही नहीं एंड कहता है कि मैं सच में यहाँ पर काम की वजह से ही आया हूँ। तो शिनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, चलो हम बाहर जाते हैं। यहाँ चिंग चियान को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब उसको तो शिनिंग से धीरे धीरे प्यार होने लगा है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनिंग का अब अगला शूट होने वाला है, उसको रस्सी से ऊपर हवा में झूलना होता है। तो जिन चियान उसकी काफ़ी फिक्र करता है और कहता है कि तुमने ये सब ठीक से देख ही तो लिया है ना, गिर तो नहीं जाऊंगी ना तुम। शिनिंग स्माइल करके कहती है कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ सेफ है। पर होता कुछ ऐसा है कि जब ही वो ऊपर ऊपर जाने लगती है रस्सियों की मदद से, तभी ही एक रस्सी टूट जाती है और वो धड़ंग से नीचे गिर जाती है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं, स्पेशली चिंचियान। शिनिंग को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां पर डॉक्टर चिंचियान को बताते हैं इस लड़की का ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, तो ये थोड़े दिन के लिए कोमा में रहेगी। हाँ, पर ये बात मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि ये उठ पाएगी या नहीं। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर चिंचियान तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर, आपको आज जो भी खर्चा होगा ना वो मैं पे कर दूंगा, पर प्लीज़ इस लड़की की जान आप बचा लीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद वो शिनिंग का हाथ पकड़कर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और तभी ही उसकी फैमिली वहाँ पर आ जाती है, मतलब कि हान फैमिली और मो फैमिली। चिंचियान मिस्टर मो को कहता है कि इसने 3 महीने पहले ही एक्टिंग करना स्टार्ट किया था, तो ये सुनकर तो मिस्टर मो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। मिस्टर आन की तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि उसने अभी अभी तो एक बेटी खोई थी और दूसरी बेटी की अब ये हालत है। मिस्टर मो कहते हैं कि चिंचियान तुम साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर मो चिंचियान से कहते हैं कि अभी के अभी तुम उस लड़की से डिवोर्स ले लो। तो चिंचियान कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि आन फैमिली ने पहले ही अपनी एक बेटी को खो दिया है और दूसरी अभी कोमा में है। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं उसे डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर मो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर इसके बारे में तुम सोच लेना। फिर हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिंचियान शिनिंग के पास ही बैठा होता है। टीवी में न्यूज़ आ रही होती है कि शिनिंग ने जो मूवी में काम किया था वो अब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। तभी हम देखते हैं कि शिनिंग की आंख खुल जाती है, मतलब कि वो अब रिकवर हो गई है, और चिंचियान ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहती है कि, मतलब शिनिंग कहती है कि हमारी शादी हो गई। ये सुनकर चिंचियान कहता है कि क्या, तो वो कहती है कि मैं शी हुई हूँ, क्या हमारी शादी हो गई। ये सुनकर चिंचियान को झटका लगता है और कहता है कि तुम शिनिंग हो, अब नाटक करना बंद करो। शिनिंग अपना प्रिटेंड जारी रखती है, तो ये देखकर तो चिंचियान कहता है कि हे भगवान, अभी अभी तो मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की ही थी, और कहता है कि मैं शिनिंग से प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो वो कहती है कि मैं ही शिनिंग हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। ये सुनकर चिंचियान उसे गले लगा लेता है। आगे से वो शिनिंग की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। शिनिंग की फिल्म अब रिलीज हो गई होती है और उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अब आज अवार्ड मिलने वाला होता है। तो ये दोनों वहाँ पर आते हैं, पर कुछ ऐसा होता है कि चिंचियान को एक फ्रॉड कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, तो चिंचियान शिनिंग को वहाँ से छोड़कर चला जाता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शिनिंग को मिल जाता है और तभी ही मूवी का हीरो हेयुन वहाँ पर आता है। वो भी सबको थैंक यू बोल रहा होता है और तभी देखते हैं कि टीवी में जो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं वहाँ पर ऐड आ जाती है। दूसरी तरफ इस लाइव प्रोग्राम में कुछ ऐसा होता है कि हीरो यानी कि हेयुन को शिनिंग को एक फेक किस करनी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों घर पर होते हैं। चिंचियान को भी पता चल जाता है कि वो कोई फ्रॉड कॉल ही थी। उसके बाद ये दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ शिंग एडिटर से कह रही होती है कि तुम इस वाले सीन को एडिट करो और र्यूमर फैला दो कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, मतलब कि हेयुन और शिनिंग का। अगली सुबह वैसा ही होता है। चिंचियान को पता चल जाता है इस फोटो के बारे में। वो इस फोटो को शिनिंग को भी दिखाता है। शिनिंग कहती है कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक फेक सीन था। चिंचियान तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उल्टा उसको एक मौका, एक शब्द बोलने का मौका नहीं देता और डांटने लगता है। इन कहता है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन चेंगपेंग करेगा। चेंगपेंग भी कुछ फोटो लेकर आता है, जिस फोटो में हेयुन और शिनिंग साथ में होते हैं। ये फोटो वो शिनिंग को दिखाता है, तो शिनिंग कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, ये सारे फोटोज फेक है। चिंचियान उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है कि यार तुम तो सच में एक बेस्ट एक्ट्रेस हो, तुम कब से मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही थी। वो तो उसे चली कटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है, पर शिनिंग वहीं पर ही बैठे बैठे रोने लगती है। पर फिर उसके हाथ में हम डिवोर्स पेपर को देखते हैं, जो कि ऑफकोर्स चिंचियान ने ही दिए होंगे।
चिंचियान सीधे अपने मम्मी पापा के पास जाता है, जहां मिस्टर मो एंड मिसेस मो उसे कहते हैं कि चिंचियान तुम जल्दी से कोई फैसला लो। वो लोग यही कह रहे होते हैं कि तुम ना उस लड़की से डिवोर्स ले लो, पर चिंचियान कहता है कि मैं इस मामले की पूरी बारीकाई से जांच करना चाहता हूँ। तभी ही चेंग पेंग कहता है कि पर मास्टर आपने ही तो ये सारा खेल रचा था कि उसको एक्ट्रेस बनने दिया जाएगा, पर फिर वो जब किसी स्कैंडल में फंस जाएगी तो आप इस मौके का फायदा उठाकर उसे डिवोर्स ले लेंगे। ये सुनकर तो मिस्टर मो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे लड़के हो और जरा देखो इस आन ग्रुप वालों ने हमसे क्या क्या छुपाया है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब देखो तुम उसके दामाद हो तो वो लोग हमसे पैसे मांगने के लिए ज़रूर आएंगे। इससे तो यही अच्छा है कि तुम जल्द से जल्द उस लड़की से डिवोर्स ले लो। अगले सीन में हम चिंचियान को देखते हैं जो कि पहली बार मूवी में थोड़ा काम कर रहा होता है। वो अपनी ऑफिस में होता है और पेपर्स को चेक ही कर रहा होता है कि तभी उसे कोई आकर एक रिकॉर्डर देता है। जब वो उस रिकॉर्डर को ऑन करता है तो उसमें तो शिंग का पूरा काला चिट्ठा होता है और सारे कांड उसी ने ही किए होते हैं। वो इस रिकॉर्डर को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है, पर मिस्टर मो मानते ही नहीं और कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम उस लड़की से डिवोर्स ले लो, मैं आन ग्रुप की कोई भी मदद नहीं करने वाला। ये भगवान, ये तो सच में एक नंबर का लालची बुड्ढा है। इसे तो बस अपनी इज्जत की और अपने पैसों की ही पड़ी है, बाकी उसके बेटे के साथ क्या हो जाए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये बंदा ये तक कह देता है कि तुम्हें अगर उसे डिवोर्स नहीं लेना तो मेरी फैमिली से तुम निकल जाओ। चिंचियान भी उसे गुस्से में कह देता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं आज से ही आपके साथ सारे रिश्तों को तोड़ रहा हूँ। तो मिस्टर मो कह देते हैं कि तुम मेरी नजरों से ना दफा हो जाओ। दूसरी तरफ घर में शिनिंग देखती है कि वो तो प्रेग्नेंट है और वो सारी ये बातें सोच ही रही होती है। उसे भी ये बात पता चल जाती है कि जो उसके पापा की कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। वो सारी बातें बस सोच ही रही होती है और वो घर छोड़ने का फैसला कर देती है। चिंचियान जब घर में आता है तो वो देखता है कि शिनिंग तो यहाँ पर नहीं है। फिर वो शिनिंग के कमरे में जाकर देखता है, उसे वहाँ एक लेटर मिलता है। शिनिंग ने उस लेटर में कहा है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और मैं अमेरिका जा रही हूँ अपने सपने को पूरा करने के लिए। वैसे मेरे पापा की कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अभी मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देती तो अन ग्रुप के उधार को तुम्हारी ही फैमिली को चुकाना पड़ता, इसीलिए मैं इस शादी को यहीं पर ही तोड़ रही हूँ। उसके बाद चिंचियान लेटर को पीछे करता है जहाँ पर अंधेरे से बचने के तरीके लिखे होते हैं। ये पढ़कर तो वो रोने ही लगता है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट में आकर वो शिनिंग को ढूंढने लगता है, पर तब तक तो फ्लाइट जा चुकी थी। और ये मूवी का एंड यहीं पर ही हो जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को इस मूवी का एंड ज़रा भी पसंद नहीं आया है, पर चिंचियान ने थोड़ा सा भी भरोसा शिनिंग पर कर लिया होता और उसकी एक बात एक शब्द भी सुन लिया होता ना, तो वो ऐसा नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। पर चिंचियान ने तो उसकी एक भी बात नहीं सुनी और बस अपनी ही मनमानी करता गया। वेल, ये कहानी मुझे रियल लाइफ की कहानी की ही तरह लगी, जिसमें ड्रामा की तरह नहीं होता कि हीरो एंड हीरोइन लास्ट में मिल जाते हैं, पर ये थोड़ी अलग थी तो मैंने इसे एक्सप्लेन करने का सोचा था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अन्योंग।